खबर आपको दें, आसिफ अली जरदारी ने मिजार कायद पर हाजिरी दी है। मिजार कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अनवर मजीद से ताल्लुकात से इनकार नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे हुई, क्यों हुई, ये वजीर दाखिला से पूछने वाली बात है। उम्मीद है डॉक्टर आसिम को इंसाफ मिलेगा, उनकी तबीयत भी इन दिनों ठीक नहीं है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। सर, बात सीधी सीधी ये है कि पहली बात तो ये कोर्ट में मामला है, इस वक्त उस पर कमेंट करना जो है वो प्रीमेच्योर है। हम देखते हैं कि कोर्ट में क्या होता है, किस सोच में है, क्या बात है, किस तरफ केस जा रहा है, और इससे कोई हमें डिनाइल नहीं है कि अनवर साहब से हमारे ताल्लुकात ज़रूर हैं। ये क्यों हुआ, कहाँ हुआ और किस वक्त हुआ और कैसे हुआ और किस मौके पे हुआ, ये तो इंटीरियर मिनिस्टर से पूछने वाली बात है। सर, मेरा सवाल ये है कि डॉक्टर आसिम और अनवर मजीद दोनों ही आपके बहुत खास माने जाते हैं और अब वो अदालतों में हैं और काफी दिन गुजर गए हैं। डॉक्टर आसिम को तकरीबन 1.5 साल के करीब हो गए हैं, तो कल आपने कोई खास इजलास इसके लिए बुलाया था कि तमाम वकला को वहाँ पे जमा किया? वकलाओं से मेरी हमेशा पहले से जहाँ भी था मैं दुनिया में, तो वकलाओं से मेरी बात होती रहती थी, उनके खानदान से भी मेरी बात होती रहती थी। तो मैं उम्मीद रखता हूँ, कोर्टों में मेरा पूरा यकीन है, मैं उम्मीद रखता हूँ कि उनको इंसाफ मिलेगा, डॉक्टर आसिम को इंसाफ मिलेगा। उनकी तबीयत भी ख़राब है, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, और आपको पता है कि वो उन लोगों से हैं जिन्हें पाकिस्तान बनाने में, जिनके ख़ानदान ने पाकिस्तान बनाया और पाकिस्तान का तखल्लुक बनाया, पाकिस्तान की सोच दी। उनके नाना जो थे वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल थे, जबकि शायद हमारे यहाँ कुछ कम पढ़े लोग। इसी बारे में बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अली हसनैन हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे अली बताइएगा, साबिक सदर की आज के दिन की फियात रहीं और अब अगले मसरूफियात उनकी क्या हैं? जी बिल्कुल, देखें, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने आज बानी पाकिस्तान कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना के मजार पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई, जिसके बाद फातिहा खानी का सिलसिला हुआ और उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक सदर का ये कहना था। जो खास बात उन्होंने सबसे ज्यादा ताकीद के साथ कही कि अनवर का मामला इस वक्त अदालत में है, इस बारे में कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि उनके ऊपर जितनी भी कार्रवाई हुई है उसके बारे में वजीर दाखिला से सवाल जरूर होना चाहिए। डॉक्टर आसिम से जब डॉक्टर आसिम की तबीयत और उनके बारे में जब सवाल किया जाए तो उनका ये कहना था कि हाँ, सर मजीद और डॉक्टर आसिम दोनों मेरे दोस्त हैं और दोनों से मेरे ताल्लुकात हैं, ताल्लुकात से मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। डॉक्टर आसिम की खैरियत पूछने के लिए मैं जाऊंगा, ये इम्कान जाहिर किया है उन्होंने, और उनका ये कहना था कि डॉक्टर आसिम भी जल्द इंशाअल्लाह ताला शिफायाब हो जाएंगे, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। और अपने इलाज के बारे में उन्होंने ये बताया कि मेरा इलाज लंदन और अमरीका में होता है और जैसे ही हमें जो डॉक्टर से मुझे हिदायत मिलती है उन पर अमल करता हूँ। और उनका आज के दिन के हवाले से, इस मुल्क के हवाले से ये कहना था कि आज अजीम दिन है, बानी पाकिस्तान कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह का दिन है, तो आज के दिन हमें उनके रहनुमा उसूलों को याद रखना चाहिए और आज के दिन से हमें तजदीद अहद करना चाहिए कि हमें पाकिस्तान की सियासत। जी ठीक है अली हसनैन, शुक्रिया आपका। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस वक्त पहुंचे हैं डॉक्टर आसिम की आयादत के लिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, इससे पहले उन्होंने मिजार कायद पर हाजिरी दी, मीडिया से गुफ्तगू की। कराची कार्यो सेंटर इस वक्त पहुंचे हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी डॉक्टर आसिम की आयादत के लिए। आज़ाद नड़ियों से जानते हैं, आज़ाद से भी जानेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पहुंचे हैं इस वक्त कराची कार्यो सेंटर, जहां पर वो डॉक्टर आसिम की आयादत करेंगे। इससे पहले साबिक सदर ने मिजार कायद पर हाजिरी दी और फातिह खानी की मीडिया से गुफ्तगू भी उन्होंने की, मुख्तसर गुफ्तगू उन्होंने की। इसमें उनका कहना था कि अनवर मजीद से ताल्लुकात से इनकार नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे हुई ये वजीर दाखिला से पूछने वाली बात है। उम्मीद है डॉक्टर आसिम को इंसाफ मिलेगा और डॉक्टर आसिम की आयादत के लिए इस वक्त साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पहुंच गए हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस वक्त पहुंचे हैं कराची कार्डियो सेंटर डॉक्टर आसिम की आयादत के लिए। यहां पर वो डॉक्टर आसिम की आयादत करेंगे और उनके खिलाफ जितने भी केसेस हैं उन पर बात होगी और अदालती जो भी मामला चल रहे हैं उन पर डॉक्टर आसिम से बात होगी। आसिफ अली जरदारी ने इससे पहले मजार कायद पर हाजिरी दी और हाजिरी के दौरान, हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मुख्तसर गुफ्तगू की मीडिया से। उनका कहना था कि अनवर मजीद से ताल्लुकात से इनकार नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे हुई और क्यों हुई ये वजीर दाखला से पूछने वाली बात है। उम्मीद है डॉक्टर आसिम को इंसाफ मिलेगा। डॉक्टर आसिम के बारे में उन्होंने बात करते हुए कहा कि उम्मीद है डॉक्टर आसिम को इंसाफ मिलेगा।
और अब डॉक्टर आसिम की आयादत के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पहुंचे हैं कराची कॉरियर सेंटर। यहां पर डॉक्टर आसिम की आयादत करेंगे, उन पर जितने भी केसेस हैं, जो भी अदालती मामलात हैं, उन पर भी बातचीत होगी। आज़ाद नड़ियो हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। आज़ाद बताइएगा, डॉक्टर आसिम की आयादत के लिए साबिक सदर पहुँच चुके? जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो है मजार कान के पास यहाँ पर कौमी इदारा कौमी अमराज बराए कल्ब यहाँ पर पहुँचे हैं। इस वक्त जो है साबिक सदर ने डॉक्टर आसिम हुसैन से यादत की है, उनके हमरा जो है कानूनी माहिर सेनेटर फारूक अचनायक भी हैं। फारूक अचनायक के हाथ में मैंने जो डॉक्टर आसिम के केस के फाइल हैं वो भी देखे हैं। डॉक्टर आसिम से इस वक्त यादत का जो सिलसिला है वो जारी है। साबिक सदर ने जो है डॉक्टर आसिम हुसैन से खैर आकत की और उनसे यादत की। इस वक्त जो है उनसे मुलाकात जो है वो कौमी इदारा कौमी अमराज बराए कल्ब है उसमें जारी है। जी आज़ाद, ये बताइए इसके बाद मीडिया से गुफ्तगू भी स्केड्यूल्ड है साबिक सदर की यहाँ पर? जी बिल्कुल, जो इनका प्लान है इसके तहत साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने 27 दिसंबर से कबल जो है मीडिया से बात करने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया, खासतौर पर सियासी बातचीत के हवाले से। उनका यही कहना है बिलावल असवालों का, साबिक सदर के 27 दिसंबर को खिताब करेंगे, उसमें सियासी बात करेंगे, उससे कबल साबिक सदर कोई सियासी बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज का दिन जो काजी मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश और उसके साथ साथ वसी बरदरी की जो खुशियों का त्यौहार है, जिसके बायस उनको आज कोई सियासी बातचीत नहीं करनी है। जी आज़ाद आप हमारे साथ रहिएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पहुंचे हैं इस वक्त डॉक्टर आसिम की आयादत के लिए कराची कॉरियर सेंटर, और फारूक एच नायक कानूनी माहिर हैं, वो भी इनके हमरा मौजूद हैं और कानूनी मशावरत भी होगी इस मौके पर, उनकी आयादत भी करेंगे। मज़ीद जानते हैं आज़ाद, साबिक सदर के साथ कौन कौन सी अहम शख्सियात मौजूद हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त जैसे गाड़ी में वो प्रोटोकॉल के साथ उतरे हैं तो अकेले थे, उनके हमरा प्रोटोकॉल के जो खासतौर पर उनका जो स्टाफ है वो मौजूद था, और फारूक एच नायक वो उनको मैंने देखा कि वो भी उनके हमरा थे, वो अपनी गाड़ी से जैसे उतरे तो गाड़ियों के अंदर इन हो चुके हैं। इस वक्त जो है डॉक्टर आसिम हुसैन से मुलाकात जो है वो जारी है, क्योंकि डॉक्टर आसिम हुसैन उनके करीबी सियासत से अलग जो है उनके करीबी दोस्त भी जाने पहचाने जाते हैं, उनकी करीबी कुर्बत भी है, इस लिहाज से देखा। जी ठीक है आज़ाद नड़ियो, शुक्रिया आपका।